अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। जैसे कि आप सबको पता है कि नस की एडमिशन चल रही है फेज़ टू के लिए, सीरीज़ टू स्टार्ट हो चुकी है और इनकी सीरीज़ फर्स्ट जो है कंप्लीट हो चुकी है, उनकी टेस्ट कंप्लीट हो चुकी है और उसकी रिज़ल्ट भी अनाउंस हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं NET 2022 सीरीज़ फर्स्ट की रिज़ल्ट भी आ चुकी है। तो आज जो है हम डिस्कस करेंगे कि आप नस की सीरीज़ टू के लिए फॉर्म कैसे फिल कर सकते हो और नस का एडमिशन फॉर्म आप कैसे खुद ही फिल कर सकते हो। तो आज इनका जो पूरा वीडियो होगा वो आपको ए टू जेड बताएगा कि आप कैसे फॉर्म फिल कर सकते हो अपना और कैसे जो है अपना एडमिशन के लिए खुद को रजिस्टर कर सकते हो नस पे। करते हैं, सबसे पहले आपको नस की एडमिशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना पड़ेगा, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 22 पे, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वेबसाइट है, सबसे पहले आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। जैसे ही आप इस वेबसाइट को विज़िट करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। ये एडमिशन की वेबसाइट है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए, जहाँ पे आप अपने आप को एडमिशन टेस्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म है फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये ब्लू में बॉक्स दिख रहा होगा जहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिया गया है कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप न्यू है और आपने पहले टेस्ट नहीं दी और आपका जो अकाउंट है नहीं बना हुआ, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर NET, आप जो है अपना न्यू अकाउंट जो है पहले रजिस्टर करवाएंगे ईमेल के साथ। तो हम पहले क्या करते हैं, न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं। अब जैसे हमने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया तो हमें ये ऑप्शन शो हो गया कि आप क्रिएट लॉगिन, हम अपना जो है लॉगिन का अकाउंट बनाएंगे जिसके थ्रू हम एप्लीकेशन फॉर्म पे लॉगिन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमें नेम पूछ रहा है, अपना कंप्लीट नेम जो आपका है डॉक्यूमेंट्स पे वही लिखेंगे यहाँ पे, उसके अलावा फादर नेम लिखेंगे, उसके बाद यूज़र ईमेल आईडी। यहाँ पे आप मेक श्योर करेंगे जो आप ईमेल आईडी यूज़ कर रहे हैं वो एक्टिव हो और आपके पास लॉगिन हो, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन होगी और पासवर्ड जो यहाँ का होगा वो आपको ईमेल के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। फिर कन्फर्म ईमेल लिखें, ये सेम ईमेल जो यहाँ पे आप लिख रहे हैं वही यहाँ पे सेम लिखनी पड़ेगी आपको। उसके बाद वेरिफिकेशन वर्ड है जो कि एग्जैक्ट आपको यहाँ पे लिखने हैं। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि इन्होंने लिखा है OJ1X0, तो ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेंगे। उसके बाद जैसे आप ये लिखेंगे और ये चेक मार्क्स को टिक करेंगे तो यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो डायरेक्ट आप जो है जो आपने ईमेल प्रोवाइड की है वहाँ पे आपको यूज़र नेम जो कि आपकी सेम ईमेल आईडी है जहाँ जो आपने यहाँ पे प्रोवाइड की है और आपको पासवर्ड दे देंगे जिसके थ्रू आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। तो जैसे मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है अपना अकाउंट, तो मैं उस अकाउंट से अपना जो है लॉगिन करता हूँ। ये ईमेल मैंने वहाँ पे जो लिखी थी वो और जो जिस ईमेल पे उन्होंने मुझे पासवर्ड भेजा था, ये पासवर्ड मैंने एग्जैक्ट वहाँ पे जो उन्होंने दिया था मैंने एग्जैक्ट वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया है। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम लॉगिन करते हैं। अब देखिए लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है हमें कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं कि इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन कि आप कैसे फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद आ रहा है एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिशन का एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद आ रहा है सेकंड ऑप्शन प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म, व्यू एंड प्रिंट फीस इनवेंस, फीस का जो चालान है वो प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद आ रहा है एडमिट कार्ड का जो एंड का हमारा प्रोसीजर है। यहाँ पे आपको अपनी एप्लीकेशन का जो अपनी फॉर्म की एप्लीकेशन है उसका स्टेटस भी दिख रहा होगा कि हमने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर ली है और फिलिंग एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म स्टिल पेंडिंग, हमने अभी तक फॉर्म फिल भी नहीं किया और सबमिट भी नहीं किया। जैसे ही हम फिल और सबमिट करेंगे तो यहाँ पे ये चेक मार्क कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा चालान फीस आ जाएगी जिसके बाद हमने वो डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो किसी बैंक में पे करना पड़ेगा, हम जो है नस का जो चालान है वो SBL की बैंक में पे करेंगे। उसके बाद उसकी पेड चालान की यहाँ पे डिटेल प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद ये भी चेक मार्क कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नस वाले खुद आपके फॉर्म को वेरीफाई करते हैं और आपके पेड चालान को वेरीफाई करने के बाद ये चेक मार्क कंप्लीट हो जाता है। जैसे ये कंप्लीट हो जाता है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है एक्सेप्ट हो जाता है और कुछ टाइम के बाद आपको मेल आती है कि अपना टेस्ट शेड्यूल फाइनलाइज करें, जो कि आप कौन से सेंटर पे टेस्ट देना चाह रहे हो और कौन सी डेट और टाइम पे देना चाह रहे हो। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म से। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं, तो जैसे ही हम एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाता है हमें।
कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म में जो मेन पहला पोर्शन पोर्शन होता है वो है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो आपकी पर्सनल खुद के जो डिटेल है वो आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे पर्सनल डिटेल, उसके बाद फादर की पर्सनल डिटेल और आपके मदर की और जो भी है, उसके बाद आ रहा है कॉन्टेक्ट डिटेल, अपने कॉन्टेक्ट डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद नेस्ट एंटी टेस्ट स्कोर, कभी आपने अगर मोड अगर आप कौन से मोड में टेस्ट देना चाह रहे हो, उसके बाद एकेडमिक बैकग्राउंड, उसके बाद जो है टोटल फीस पेबल चालान। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर लगानी पड़ती है जो कि ब्लू बैकग्राउंड में हो और आपकी रिसेंट पिक्चर हो और एक मंथ से ज़्यादा ओल्ड नहीं होनी चाहिए और 150 KB साइज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आप चूज़ फाइल करोगे, फिर आपने जो जहाँ पे अपना पिक्चर सेव की है वहाँ से वो सिलेक्ट करोगे, उसके बाद आप एक्सेप्ट फोटो करके अपलोड कर दोगे। तो जैसे यहाँ पे अपलोड कर दोगे वो आपका अगर पिक्चर एक्सेप्टेबल होती है और साइज़ कम होती है तो यहाँ पे अपलोड हो जाती है। अगर आपकी साइज़ ज़्यादा है तो आप ऑनलाइन उनकी साइज़ रिड्यूस भी कर सकते हो और अपनी पिक्चर को कंप्रेस भी कर सकते हो। अब आते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कि आप यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखोगे, मिडिल नेम और लास्ट नेम, मतलब यहाँ पे अपनी कास्ट लिखोगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के आपके जो NIC पे डेट ऑफ बर्थ है या आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे है वो एग्जैक्ट आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपकी जेंडर कौन सी है, मेल फीमेल जो भी है आपकी जेंडर वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद है नेशनलिटी, अगर आपकी ड्यूअल नेशनलिटी है तो वो टिक करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे हम पाकिस्तान ही पुट करेंगे। उसके बाद अपनी NIC नंबर, NIC नंबर लिखते वक्त मेक श्योर करें कि आप विदाउट डैशेस अपना नंबर लिखें। उसके बाद फादर नेम, फादर स्टेटस, फादर प्रोफेशन, आपका फादर क्या करता है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, जो भी अपने आपके फादर का प्रोफेशन है वो यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद आता है फादर की इनकम, आपके फादर की मंथली इनकम कितनी है, तो ये आप पे उन्होंने रेंज दी हुई है, यहाँ पे आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपके 10,000 से 20,000 की रेंज में है, 40,000 से 60,000 के पर मंथ यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पर मंथ आपके फादर की इनकम क्या है। उसके बाद फादर की ईमेल आईडी, मदर का नेम और मदर का स्टेटस और मदर का प्रोफेशन क्या है, वो हाउसवाइफ है या कोई प्रोफेशन है उनका, तो यहाँ पे वो आप जो है सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मदर की इनकम क्या है, अगर मदर आपकी हाउसवाइफ नहीं है तो यहाँ पे जो है वो लिखेंगे, अदरवाइज अगर हाउसवाइफ है तो आप नन या एनए कर देंगे, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद है प्रोविंस, आपका कौन सा है डोमिसाइल, किस प्रोविंस का बना हुआ है, तो यहाँ पे आपका जो है बलूचिस्तान है, KPK है, फेडरल है या पंजाब सिंध है, तो यहाँ पे वो लिखेंगे। उसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है और जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो अर्बन में आता है या रूरल में आता है, ये आप चेक कर सकते हो कि आपका जो एरिया है डिस्ट्रिक्ट का वो किस में आता है। उसके बाद है रिलीजन, आप मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो या जो भी है आपका, वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं आर यू ए स्पेशल पर्सन, क्या आपको कोई डिसेबिलिटी है या कुछ है, तो यहाँ पे आप यस करें, अगर है, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप नो कर देंगे। 20 क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि डू यू हैव एनी कम्युनिकेबल डिजीज, आपके कोई भी बीमारी है जो कम्युनिकेबल है, तो अगर अगर है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। मेक श्योर ये आप सही से फिल कर लें, अदरवाइज इनके मिस्टेक से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद पूछा है आर यू फर्स्ट इन योर फैमिली अप्लाइंग फॉर अ यूनिवर्सिटी डिग्री, क्या अपनी फैमिली में पहले हैं जो यूनिवर्सिटी डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर हाँ आप पहले हैं जो यूनिवर्सिटी की डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे येस करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे नो कर देंगे। अब आते हैं कॉन्टेक्ट डिटेल्स पे, जो यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट डिटेल अपनी प्रोवाइड करेंगे जिसके थ्रू आपसे कॉन्टेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे आते हैं प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, जहाँ पे आप पे रह रहे हो अभी प्रेजेंट एड्रेस है, यहाँ पे आप वो लिखोगे, पूरी कंप्लीट एड्रेस लिखोगे। यहाँ पे आप सिटी लिखोगे अपना, अगर आप कराची से हो या लाहौर से या इस्लामाबाद से वो लिखोगे, फिर कंट्री अपने लिखोगे पाकिस्तान है। उसके बाद रेजिडेंसी आप का स्टेटस क्या है, आपका ज्वाइंट है, ओन्ड है, रेंटेड है या प्रोवाइडेड बाई एम्प्लॉयर है, ये आपका लिखोगे।
उसके बाद परमानेंट एड्रेस, आपकी करंट एड्रेस की, आपकी जो परमानेंट एड्रेस है वो क्या है। अगर आपकी परमानेंट एड्रेस सेम है जो आपकी प्रेजेंट एड्रेस है, तो यहाँ पे आप सिर्फ ये जो है सेम है जब वो टिक कर देंगे, तो आपकी जो यहाँ पे आप लिखेंगे एग्जैक्ट यहाँ पे वो आ जाएगी। अगर आपकी सेम नहीं है परमानेंट एड्रेस और चेंज है, तो यहाँ पे आप मैन्युअली लिख सकते हैं या टाइप कर सकते हैं, फिर अपनी सिटी, कंट्री, रेजिडेंस जो भी है आप यहाँ पे फिर दोबारा लिख सकते हैं। अगर सेम है तो आप सेम लिख सकते हैं। उसके बाद आता है फ़ोन नंबर्स, अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे कैंडिडेट का जो है, और फ़ोन नंबर का फॉर्मेट सेम आपको एग्जैक्ट ऐसे रखना है, 92 जो है हमारा कंट्री कोड है, उसके बाद आपका जो फ़ोन नंबर है एग्जैक्ट आप लिखेंगे। यहाँ पे आप मेक श्योर करें कि आपका नंबर जो है कन्वर्टेबल नहीं हो, एक ही नेटवर्क का हो और एक नेटवर्क से दूसरे पे कन्वर्ट ना हो। और उसके बाद आप अपने गार्डियन का नंबर लिखोगे और रेजिडेंस यहाँ पे रह रहे हो वहाँ पर नंबर लिख लोगे आप, ठीक है। उसके बाद अदर कॉन्टेक्ट है तो आप यहाँ पर लिख लोगे, अदरवाइज नहीं। उसके बाद आता है पेइंग क्रेडिट स्कीम, हैव यू अप्लाइड इंटेंडेड टू अप्लाई फॉर पेइंग क्रेडिट स्कीम। आपने कभी नेवी में पेइंग क्रेडिट स्कीम में अप्लाई किया है, नेवी, आर्मी या पाफ में? अगर किया है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे आप नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है कि नस एंटीडेस एनईटी मोड या स्टेशन, आप यहाँ पे नस के एडमिशन कहाँ पे देना चाह रहे हो, अपना कौन सा सेंटर प्रेफर कर रहे हो। अगर आप नस की एडमिशन टेस्ट इस्लामाबाद में दे रहे हो कंप्यूटर बेस्ड, तो यहाँ पे आप ये टिक करेंगे। अगर आप इस्लामाबाद में नहीं देना चाह रहे और पेपर बेस्ड टेस्ट देना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आप ये करेंगे। पेपर बेस्ड टेस्ट सिर्फ दो सेंटर्स में होता है, एक कराची में होता है, दूसरा कोटिया में होता है। तो ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप कहाँ पे टेस्ट देना चाह रहे हो। कराची में देना चाह रहे हो तो यहाँ पे कराची टिक करोगे, यहाँ पे कोटिया में देना चाह रहे हो तो यहाँ पे आप कोटिया कर दोगे। तो ये मेक श्योर करें कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सिर्फ इस्लामाबाद में होता है और कोटिया और कराची में पेपर बेस्ड टेस्ट होता है। टेस्ट सेम होता है, 200 क्वेश्चन होते हैं, 3 घंटे आपको टाइम मिलता है, टेस्ट चेंज नहीं होता, जस्ट आपका मोड चेंज होता है कि आपके वहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यहाँ पर पेपर बेस्ड टेस्ट होता है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट करते हैं, यहाँ पे हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करते हैं इस्लामाबाद में। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं अपना कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है। तो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड FSC है, इंटरमीडिएट है, तो यहाँ पे आप ये टिक करेंगे। उसके बाद अगर आप ओ लेवल के हैं या डिप्लोमा है, 3 ईयर आपका डिप्लोमा है, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग ये सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है अपना FSC के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल करते हैं इंटरमीडिएट के, तो यहाँ पे हम ये टिक कर देंगे। जैसे हम टिक करते हैं तो हमें यहाँ पे हमारा पूछते हैं आप ग्रुप कौन से हो, तो यहाँ पे हमें अपना ग्रुप जो है वो सिलेक्ट करना पड़ता है कि है आप जो है प्री इंजीनियरिंग ग्रुप से हो, प्री मेडिकल ग्रुप से हो या किसी और ग्रुप से हो, तो यहाँ पे आप वो सिलेक्ट करेंगे। तो हम जो है प्री इंजीनियरिंग ग्रुप सिलेक्ट करते हैं, तो जैसे सिलेक्ट करते हैं तो नीचे हमें जो है एकेडमिक रिजल्ट्स का पूछते हैं, ये यहाँ पे हमने ये सिलेक्ट किया। उसके बाद हमने जो है प्री इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया है। उसके बाद हमसे पूछता है एकेडमिक रिजल्ट्स का, एकेडमिक रिजल्ट्स में SSC का पूछता है कि आपका पासिंग ईयर क्या है। यहाँ पे आप अपना पासिंग ईयर जो भी है आपका 18 है 19 है यहाँ पे वो लिख लेंगे। उसके बाद टोटल मार्क्स यहाँ पे SSC की मैट्रिक की मार्क्स क्या थी आपकी वो लिखेंगे, उसमें ऑब्टेंड मार्क्स आपने कितनी मार्क्स ली थी मैट्रिक में या SSC में वो लिखेंगे, और आपकी परसेंटेज क्या थी यहाँ पे वो लिख लेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे अपनी कॉलेज या स्कूल का नेम, कंप्लीट नेम आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपका स्कूल कौन से बोर्ड में है वो अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, आपका कौन सा बोर्ड था, तो आपका कराची है, इस्लामाबाद है, फेडरल है, जो भी यहाँ पे आपका बोर्ड है यहाँ पे वो आप सेलेक्ट करेंगे। अब आता है SSC के इंटरमीडिएट के पार्ट 1 की डिटेल, यहाँ पे आपका SSC का पार्ट कब पासिंग ईयर क्या था आपका वो यहाँ पे लिखेंगे, जो भी आपका ईयर है, उसके बाद टोटल मार्क्स क्या थी, उसमें आपने कितनी मार्क्स हासिल की, मार्क्स की परसेंटेज क्या थी, स्कूल और कॉलेज नेम और अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद है इंटरमीडिएट का पार्ट 2 और कंप्लीट, अगर आपका ये कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप ब्लैंक छोड़ देंगे। और भी लिखा हुआ है कि इनके सन अवेलेबिलिटी ऑफ SSC रिजल्ट कंप्लीट रिजल्ट लीव इट ब्लैंक, आपको ये कंप्लीट ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद ये आपको चेक मार्क टिक कर देना है और उसके बाद नीचे आ जाना है कि आप चूज़ प्रोग्राम, आप कौन सा प्रोग्राम चूज़ कर रहे हो और कौन से प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोग्राम दिया है, LLB क्या है, बिजनेस स्टडीज़, आर्किटेक्चर, BS के प्रोग्राम है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग के, तो हम यहाँ पे इंजीनियरिंग का टिक करेंगे। तो यहाँ पे हम जैसे इंजीनियरिंग का टिक करेंगे तो हमें अपनी प्रेफरेंसेस पूछेगा कि आप
अपनी प्रेफरेंसेस बताएं कि आप किसके लिए प्रेफर कर सकते हो करते हो अपनी एडमिशन। तो यहाँ पे आप अपनी जो भी प्रेफर करते हो डिपार्टमेंट के ऊपर यहाँ पे अपनी जो है प्रेफरेंसेस टिक करोगे, 12th प्रेफरेंस तक आप दे सकते हो। यहाँ पे जैसे हम सिविल की पहली प्रेफरेंसेस रख रहे हैं तो सिविल यहाँ पे इस्लामाबाद में पहली रख लेंगे, उसके बाद हम मैकेनिकल रख रहे हैं तो यहाँ पे मैकेनिकल रख लेंगे। तो ऐसे ही हम 12th प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे कि डू यू वांट टू बी कंसिडर एडमिशन फॉर फॉलोइंग। तो यहाँ पे ये है कि अब BS प्रोग्राम के लिए आपको कंसीडर किया जाए या नहीं किया जाए, तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से टिक करेंगे। अगर इन केस अगर आप यहाँ पे इंजीनियरिंग प्रोग्राम में सिलेक्ट नहीं होते और आपकी मेरिट लिस्ट उतनी नहीं है तो आपको BS के प्रोग्राम में कंसीडर किया जाए या नहीं किया जाए, तो यहाँ पे आप येस और नो कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको येस करना चाहिए कि अगर नहीं हो रहा वहाँ पे तो यहाँ पे आप कंसीडर किया जाए, फिर आपकी मर्ज़ी है आप एडमिशन लें या नहीं लें। तो आपको जो इसमें से सही लग रहा है, जिनके लिए आप समझ रहे हो कि कंसीडर किया जाए, तो यहाँ पे येस कर लोगे, यहाँ पे नो कर दोगे, वो आपकी डिपेंडेंट है। अगर आप एक प्रोग्राम से ज़्यादा के लिए एलिजिबल टेस्ट देना चाह रहे हो, लाइक इंजीनियरिंग के लिए भी देना चाह रहे हो, LLB के लिए या बिजनेस स्टडी के लिए भी देना चाह रहे हो, तो यहाँ पे सेम आपको यहाँ पे भी टिक करना है। तो आप एक ही टेस्ट में दो प्रोग्राम के लिए प्रेफर कर एलिजिबल हो जाएगा, आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम जो है सिर्फ इंजीनियरिंग के प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी फ़ीस जो बन रही है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी जो चालान बनेगा वो 3,800 का बन रहा है। अगर आप फॉरेनर है तो $35 का बन रहा है। तो ये हमारा इंजीनियरिंग का चालान था जो बन रहा है। उसके बाद हमने ऑप्शन 1 टिक किया कि हमें जो है 3,800 पे करनी है। उसके बाद हम एक्सेप्ट करेंगे फॉर्म, उसके बाद जो है सेव या प्रीव्यू करके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रीव्यू। नेक्स्ट प्रीव्यू में ये होगा कि आप अपना फॉर्म जो है रीचेक करेंगे, उसके बाद सबमिट कर देंगे। प्रीव्यू में ये होगा कि आपके अगर कोई भी मिस्टेक की है फॉर्म में तो यहाँ पे आप चेक करके और दोबारा रिकरेक्ट कर सकते हो। जैसे ही प्रीव्यू करने के बाद आप सबमिट करोगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको फीस चालान जो है जनरेट हो जाएगा, जो यहाँ पे आप डाउनलोड करके प्रिंट करके HPL की बैंक में आपको सबमिट कराना पड़ता है। जैसे ही आप HPL बैंक में सबमिट कराओगे फिर वहाँ से जो आपको डिटेल मिलेगी चालान पेड चालान की वो यहाँ पे अपलोड कर दोगे, फिर आपको वहाँ पे आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वेरीफिकेशन में चला जाएगा। और जैसे ही नस्ट वाले आपका फॉर्म वेरीफाई करते हैं तब तक आपका पेंडिंग में होता है। जैसे वेरीफाई कर देते हैं तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है और आप जो है टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो और आपको सारा ईमेल के थ्रू गाइड किया जाता है। उसके बाद जो है जैसे आप टेस्ट और शेड्यूल सिलेक्ट करते हो तो उसके बाद आपको एडमिट कार्ड इशू हो जाता है। होपफुली आप एप्लीकेशन फॉर्म के लिए क्लियर हो गए होंगे कि कैसे फिल होता है। सिंपली आप खुद भी फिल कर सकते हो ईजीली कि कैसे फिल होता है, और होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। So thank you.